हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के बारे में जो है बात करने वाला हूँ, और इसके रिलेटेड जो है तीन कंपनीज़ के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर हिट करें, ताकि मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईवी सेक्टर जो है वो मेनली जो है तीन पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड रहता है। पहला पार्ट जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट ईवी मैन्युफैक्चरर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं। और तीसरा जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला पार्ट आता है, ठीक है, वो आता है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड जो कंपनी है, वो पहली कंपनी जो हमारी है वो है मदर सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, ठीक है। यह कंपनी जो है वायरिंग हार्नेस का जो है सप्लायर है, और यह जो है वायरिंग हार्नेस जो है वो पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरनल कम्बशन इंजन व्हीकल में को जो है वो प्रोवाइड कराती है, ठीक। अब इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो वायरिंग हार्नेस क्या होता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है यह है कि यह जो है एक प्रकार का जो है वायर का नेटवर्क है, जो कार के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स को और पार्ट्स को जो है वो आपस में जो है कनेक्ट करता है, क्योंकि गाड़ी के बाहर से देखने पर जो ये जो है नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और अभी के टाइम में जो मदर सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड जो है वो इंडिया के जो है टॉप 12 सेलिंग जो पैसेंजर व्हीकल है, उनमें से जो 10 गाड़ी जो है व्हीकल है उनकी वायरिंग हार्नेस का काम जो इसी के पास आता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के टॉप 3 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में से 2 कंपनी को जो है यह वायरिंग हार्नेस प्रोवाइड कराती है। और सिर्फ जो है 4-व्हीलर ही नहीं, जो 2-व्हीलर भी है, इंडिया की जो टॉप 5 कंपनी है 2-व्हीलर की, उनमें से भी लगभग जो 2 कंपनियां हैं उनको जो है वायरिंग हार्नेस का जो है यही प्रोवाइड कराती है। यानी इस कंपनी के पास जो है अभी से जो है बड़ी जो है क्लाइंट लिस्ट है, और ये जैसे जैसे ये कंपनी आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल बेचेंगे, वैसे वैसे जो है इसका फ्यूचर जो है फ्यूचर में ये जो और ज़्यादा ग्रो करती जाएगी। इस कंपनी के जो है फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं, जिसमें फंडामेंटल में आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 26,292 करोड़ है। इसका पीई रेशियो जो है 50.40 है, और जबकि इंडस्ट्री पी इसका कितना है 41.54 है, यानी कि अभी इंडस्ट्री पी से जो महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका पीबी रेशियो इस टाइम जो है 19.97 है, और डेप्ट टू इक्विटी इसकी 0.21 है, यानी डेप्ट की वजह से जो है फेलियर होने के चांसेस ना के बराबर हैं। आरओई इसका 39.77% है, अर्निंग पर शेयर इसका 1.18 है, और इसके जो है डिविडेंड यील्ड 1.09% है, यानी डिविडेंड भी देती है कंपनी। बुक वैल्यू इसकी 2.98 है, और फेस वैल्यू इसकी 1 है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट वगैरह दे चुकी है। कंपनी के जो है कंपाउंडेड और प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, इसके जो है जो 10 साल, 5 साल और 3 साल के नहीं हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है अभी जल्दी ही, यानी 1 साल ही हुआ इसको जो है संवर्धना मदर सन से जो है अभी डीमर्जर से ये अलग हुई है कंपनी, ठीक है। इसका जो देख सकते हैं टीटीएम का आप देख सकते हैं, इसमें सेल्स ग्रोथ कितना है 13% के हिसाब से है सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है टीटीएम का 11% के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है। और इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर देख सकते हैं 1% से बढ़ा है पिछले 1 साल में, और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना इसका 40% के हिसाब से है। इसके फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट वगैरह में, ठीक है। इसके जो रिजर्व आप देख सकते हैं ये 2021 में देख सकते हैं हम, 2021 में जहाँ इसके पास जीरो यानी कोई भी रिजर्व नहीं थे, वहीं इसका जो है बढ़ के 2023 में अभी देखिए अब सितंबर के हिसाब से कितना 875 करोड़ के रिजर्व हैं इसके पास। हाँ, इसके अकॉर्डिंग इसके पास थोड़ा बहुत कर्जा भी है, 283 करोड़ का कर्जा है, लेकिन ये इसके रिजर्व के हिसाब से काफ़ी कम है, ये आराम से इसको जो है उतार सकता है फटाफट, ठीक। अब इसमें जो है हम इसका वो इन्वेस्टर का देख लेते हैं, इन्वेस्टर किस हिसाब से इसमें बने हुए हैं, ठीक है। इसमें प्रमोटर का स्टेक देख सकते हैं हम, 61.75% जो है इसमें प्रमोटर का स्टेक है, जो कि सबसे ज़्यादा बना हुआ है। और इसमें जो एफआईआई का स्टेक भी है, जो कि इन्होंने लगातार बढ़ाया है मार्च 2023 से, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर देख सकते हैं आप, 9.92% है, 10.93% बढ़ा है जून क्वार्टर में, और सेप्टेम्बर क्वार्टर में बढ़ के कितना 11.08% हो गया। यह है एफआईआई का जो स्टेक इसमें है, डीआईआई का भी इसमें स्टेक है, ठीक है। डीआईआई का स्टेक इसमें कितना 17.56% है, और इसमें गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक लिया है, जो कि इन्होंने भी क्वार्टर टू क्वार्टर में बढ़ाया हुआ है, ठीक है, जिसमें इन्होंने मार्च 2023 के क्वार्टर में देख सकते हैं 0.09% था, जो कि उसके अगले ही क्वार्टर यानी जून 2023 में बढ़ के 0.21% हो गया, और अभी के टाइम पे भी वही चल रहा है सितंबर क्वार्टर में 2023 में। पब्लिक का स्टेक जो है इसमें कितना है 9.41% पब्लिक का स्टेक है। तो कंपनी जो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और आने वाले टाइम में इसमें जो होती है ग्रोथ जो है डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि ये जो है मल्टी बैगर रिटर्न देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ये वायरिंग हार्नेस में एक तरीके का मार्केट लीडर है।
तो इस कंपनी को जो है अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पे, जो कि हमारा दूसरा सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इस फील्ड में जो है हमारी जो कंपनी अभी आती है, जिसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इस कंपनी का एक मेजर की स्ट्रेंथ यह है कि यह SUV मार्केट में इसका जो प्रेजेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यह एक्सपर्ट है SUV मार्केट में, और महिंद्रा का SUV मार्केट शेयर जो है ना वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो अभी के टाइम में जो महिंद्रा जो SUV बेचता है वो जो है इंटरनल कम्बशन इंजन की SUVs हैं, यानी वह जो है पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि महिंद्रा जो है वो पेट्रोल SUV को बेचता है, तो क्या यह इलेक्ट्रिक SUV भी बेच पाएगा? तो यहां पर महिंद्रा ने अपने जो है दिमाग लगाया और वहाँ और इसने जो है एक प्लान जो है लेके आता है, जिसके जरिए उसका जो अभी का SUV मार्केट शेयर है उसको EV सेगमेंट के साथ जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, और यह वह कैसे कर सकता है? यह वह कर सकता है इंग्लो प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है, इंग्लो प्लेटफॉर्म के जरिए, और यह इंग्लो प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जिसमें EV का जो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है वह सारा का सारा जो है वो मौजूद होता है इसमें। ठीक है, और यहाँ महिंद्रा इसका जो यूज़ करके जो होता है वाइड रेंज ऑफ SUV बिल्ड करने का प्लान कर रहा है। ठीक है, अब महिंद्रा का एक और की स्ट्रेंथ है कि ब्रिलियंट बैटरी स्ट्रेटजी, जहाँ पर इन्होंने BYD के साथ कोलैबोरेशन किया है, जो महिंद्रा के लिए जो है बैटरी को सप्लाई करेगा, और BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में एक जो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जिसमें जो है महिंद्रा को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो है ग्राफ आप देख सकते हैं, एक दिन के चार्ट में इसने कितना दिया है, लगभग 1% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हुए हैं। ठीक है, 1% के पॉजिटिव रिटर्न लगभग दिए हुए हैं एक महीने के चार्ट में आप देख सकते हैं, लगभग लगभग जो है 2% के जो पॉजिटिव रिटर्न इसने बनाए हुए हैं। और यहाँ पे एक साल के चार्ट में आप देख सकते हैं कितने बनाए इसने, ये ना 26% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हुए हैं। 5 साल के चार्ट में आप देख सकते हैं, 5 साल के चार्ट में भी इसने 104% के पॉजिटिव रिटर्न बनाए हुए हैं। और ऑल टाइम में आप देखिए ज़रा, ऑल टाइम में इसके रिटर्न देख सकते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न दिए हुए हैं इसने 12,088% के जो पॉजिटिव रिटर्न इसने बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इसका जो हम फाइनेंशियल ये हाँ फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, इसका फंडामेंटल आप देख सकते हैं, इसका जो मार्केट कैप है वो कितना है, देखिए 1,96,987 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका जो PE रेशियो है वो कितना है, 17.64 है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी कितना है, 22.61 है, यानी इंडस्ट्री पी से अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे है। PB रेशियो इसका कितना है, 3.25 है। डेप टू इक्विटी इसका देख सकता है, ये थोड़ा कंसर्निंग मैटर हो सकता है, ये इसका जो है एक से ऊपर है, 1.65 है, जबकि हमेशा एक के नीचे रहना चाहिए, लेकिन कंपनी काफ़ी शानदार है, इसका आने वाला फ्यूचर बढ़िया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना जो है डेप भी कम कर लेगी, इसको हम जो है उसमें देख लेंगे अभी बैलेंस शीट वगैरह में इसका। ठीक है, इसका ROE देख सकते हैं 18.47% है, अर्निंग पर शेयर इसका 89.82 है, डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं 0.99% की है, लगभग 1% की डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू इसकी 486.93 है और फेस वैल्यू इसकी 5 है, यानी आने वाले टाइम में जो है ये स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। इसका प्रॉफिट आप देख सकते हैं ईयरली वाइज पे, ये देखिए आप 2019 में कितना था, 6,017 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2020 में कितना, 2,713 करोड़ का जो है प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ से बढ़ के 2023 में कितना हो गया, 11,374 करोड़ का इसको जो है प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इसका रेवेन्यू भी देख सकते हैं, वो ईयरली वाइज भी आप देख सकते हैं, इसमें भी ग्रोथ आई है, जहाँ इसमें कितना था, 1,05,806 करोड़ का इसका था 2019 में, वहाँ से बढ़ के जो है ये कितना गया है 2023 में कितना, 1,22,475 करोड़ तक। ठीक है, इतना इसका ये रेवेन्यू बढ़ा है, और इसका जो नेटवर्थ भी देख सकते हैं, नेटवर्थ भी कितनी बढ़ी है, ये बढ़िया 39,983 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम में 2023 में कितनी, 56,366 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। ठीक है, ये भी काफ़ी बढ़िया बढ़ी है। इसका जो है कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं 10 साल में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है 6% के हिसाब से बढ़ी है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 10% के हिसाब से बढ़ी है। 5 साल में भी 6% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10% के हिसाब से, लेकिन पिछले 3 साल में इसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ ये सेल्स ग्रोथ में जो इजाफा हुआ है जो 17% तक पहुँच गई है, और प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं कितना, 143% के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इसने जंप लिया एकदम से। और TTM में अभी जो है सेल्स ग्रोथ इसकी चल रही है 22% के हिसाब से, और प्रॉफिट ग्रोथ चल रही है 29% के हिसाब से, काफ़ी बेहतर है। ठीक है, और इसके जो है स्टॉक प्राइस CAGR वगैरह देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं, सब बढ़िया है इसमें। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए आप, 10 साल का 13% है, 5 साल का 15% है, 3 साल का 31% है, और 1 साल का 29% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं, 10 साल का 12%, 5 साल का 10%, 3 साल का 13%, और लास्ट ईयर का 18% है। तो यहाँ पर सब चीज़ जो है 2 डिजिट में, यानी काफ़ी अच्छा ये जो है रिजल्ट दिखा रहा है इस टाइम पे।
ठीक है, और आने वाले फ्यूचर में भी और ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट ये शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसका ये देख सकते हैं, रिजर्व्स वगैरह नोट कीजिए आप ज़रा। इसके रिजर्व देखिए 2020 में कितना था, 39,415 करोड़ था, 2020 के हिसाब से। वहाँ से बढ़ के अभी इनके पास कितना रिजर्व हो चुका है, 59,929 करोड़। ठीक है, और इनके पास कर्जा कितना है ये भी आप देख सकते हैं, 99,712 करोड़। इनके पास कर्जा काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा कंसर्निंग फिगर है। बाकी भी इनके पास कर्जा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये इनका जो काम है वो आने वाले फ्यूचर पे डिपेंड करता है। जो आने वाले फ्यूचर में जिसकी डिमांड ज़्यादा रहने वाली है, तो ये आने वाले टाइम में इसको जो है धीरे धीरे करके उतार लेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें जो होते हैं इन्वेस्टर्स का जो स्टेक देख लिया जाए इसमें कैसा है। इसमें जो प्रमोटर जो बने हुए हैं इसमें कितने हैं, 19.33% प्रमोटर है। और इसमें जो एफ आईज का सबसे ज़्यादा स्टेक जो इसमें एफ आईज ने बनाया हुआ है, जो कि इसमें 40.26% है, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे है। डी आईज का भी स्टेक इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कि 26.79% डी आईज बने हुए इसमें। गवर्नमेंट का इसमें माइनर सा स्टेक है, 0.07% है। पब्लिक का इसका 9.73%, और अदर्स जो अदर्स इंस्टीट्यूशनल वगैरह आ जाते हैं वो भी इसमें 3.80% उसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका काम भी बहुत ही शानदार है, फ्यूचर पर डिपेंडेंट है, तो इस कंपनी को भी जो अपने वॉच लिस्ट में अपडेट करके रख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे सेगमेंट में, जो कि हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर सेगमेंट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारी जो आज की कंपनी है, जो तीसरी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, वो है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, यह जो है ईवी के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी, और ये जो है नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, यह एक जो है हाई ग्रोथ स्टॉक है, और इसका प्राइस जो है बहुत जल्दी जल्दी भी ऊपर जाता है, और अगर मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब होता है तो इसका प्राइस भी बहुत तेज़ी से गिरता है। लेकिन अगर आप ऐसे ग्रोथ स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करते हैं, और शॉर्ट टर्म में इस होने वाले इसके प्राइस में जो गिरावट वगैरह आती है शॉर्ट टर्म में, अगर उसको आप नज़रअंदाज करके लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, तो यह जो है एक मल्टीप्लायर बनने का पोटेंशियल रखता है इस टाइप के स्टॉक्स। तो एक दिन के चार्ट में आप देख सकते हैं इसने जो है कितने रिटर्न बना के दिए हुए हैं, लगभग जो है 4% के हिसाब से पॉजिटिव रिटर्न इसने आज के दिन बना के दिए हुए हैं एक दिन में। एक महीने के चार्ट में आप इसमें देख सकते हैं जो है 29% के जो है पॉजिटिव रिटर्न बनाए हैं इसने। एक साल के चार्ट में आप देख सकते हैं 120% के, ये देखिए आप 120% के जो है पॉजिटिव रिटर्न बनाए हुए हैं एक साल के चार्ट में। और 5 साल के चार्ट में आप देख सकते हैं इसने कितने रिटर्न बना के दिए हुए हैं, 1452% के पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसने जो मल्टीप्लायर रिटर्न बना के दिए हैं 5 साल में, किसी का भी पैसा लगभग 15 गुना इसने करके दे दिया है 5 साल के अंदर अंदर। ठीक है, और ऑल टाइम में भी इसका लगभग यही चल रहा है, इस टाइम पे ऑल टाइम भी इसका यही है, क्योंकि ये कंपनी को आए हुए अभी 3-4 साल ही हुए हैं। ठीक है, अब इसका जो है फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, कंपनी के फंडामेंटल देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसका जो मार्केट कैप है वो 42,077 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका PE रेशियो जो है 86.42 है, और जबकि इसका इंडस्ट्री पी कितना है, 27.06% है, 27.06 है। ठीक है, और ये अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका PB रेशियो जो कितना है, 22.62 है। इसका डेप टू इक्विटी 0.20 है, यानी कर्ज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस कंपनी में। आर ओ इसका कितना 26.22% है। अर्निंग पर शेयर इसका कितना 17.76 है। डिविडेंड यील्ड जो इसकी जो है 0.26% है। बुक वैल्यू इसकी 67.86 है, और फेस वैल्यू इसकी 10 है, यानी आने वाले टाइम में जो है ये स्टॉक स्प्लिट भी दे सकता है। इसके जो प्रॉफिट भी देख सकते हैं, इसका प्रॉफिट देखेंगे ईयरली वाइज पे जो है ईयर ऑन ईयर कितना है, ये देखिए आप 2019 में जहाँ इसके पास कितना था, 55 करोड़, यानी 55 करोड़ थे, 2020 में 148, और वह ठीक है 2020 में 148 से बढ़ के 2023 में कितने 387 तक पहुँच गए हैं इसके जो ये प्रॉफिट्स हैं। इसका जो है रेवेन्यू भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें रेवेन्यू आप देख सकते हैं 2019 में कितना था, 677 करोड़ था 2019 के हिसाब से, जो कि आप 2023 के हिसाब से बढ़ के कितना पहुंच चुका है, 3,405 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसकी नेटवर्थ भी आप देख सकते हैं, जो कि ये भी बड़ी है 2019 में 960 करोड़ से बढ़ के 2023 में कितना 1,652 करोड़ तक पहुँच चुकी है। काफ़ी शानदार तरीके से ये भी बढ़ी है इसमें। इस कंपनी की जो कंपाउंडेड प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं, इसमें आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए ज़रा, 3 साल की कितनी है, 16%, और TTM की कितनी चल रही है अभी, 56% के हिसाब से। और प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 5 साल की 327% है प्रॉफिट ग्रोथ, बहुत ही शानदार। ठीक है, 3 साल की कितनी है, 35% के हिसाब से है, बहुत ही बढ़िया है। और TTM की 54% के हिसाब से बढ़ रही है, काफ़ी शानदार बढ़ रही है। इसका स्टॉक प्राइस CAGR भी आप देख सकते हैं, थ्री ईयर्स का कितना है, 145% के हिसाब से स्टॉक प्राइस CAGR बढ़ रहा है, और 1 ईयर के हिसाब से 124% के हिसाब से बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 5 साल का जो कितना है, 19% के हिसाब से, 3 साल का 21% के हिसाब से, और लास्ट ईयर का 26% के हिसाब से जो है ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट से ही इसके बारे में पता लगेगा।
इसके आप देख सकते हैं, जहाँ इसके पास 2018 में जो थे जीरो रिजर्व थे, कोई रिजर्व नहीं थे 2018 में, यानी उस टाइम पे कुछ नहीं था, जो कि आज बढ़ के 2023 सितंबर तक कितने हो गए, 1586 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। और इसके पास बोरोइंग भी आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं है, 376 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि इसके रिजर्व के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो हम इसमें इनके इन्वेस्टर्स को जो है वो देख लेते हैं कि इनमें जो इन्वेस्टर्स का है किस हिसाब से स्टेक है इसमें। इसमें जो देख सकते हैं आप इन पे इन्वेस्टर, इसके प्रमोटर जो है कितने, 39.47% इसमें इन्वेस्टर बने हुए हैं। FIs का इसमें अच्छा खासा स्टेक है, जो कि कितना है, 25.69% है। DIs का भी इसमें अच्छा स्टेक है, 12.25% DIs हैं। पब्लिक इसमें 21.46% बने हुए हैं, और अदर्स भी जो है इसमें 1.41% बने हुए हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो था ये कंपनी बहुत ही शानदार रहने वाली है, बल्कि क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है, और आने वाला टाइम जो होता है इन आईटी कंपनीज का ही है, ऊपर से ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काम कर रही है, तो बहुत ही ज़्यादा है बेहतरीन है ये कंपनी। इसका प्राइस भले ही इस टाइम पर अभी जो है 1500 पे जो चल रहा है अभी लगभग, ठीक है 1500 पे चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसका प्राइस देख के घबरा जाएँ। ठीक है, आने वाले टाइम में 1 से 2-3 साल के बाद जो है आपको यही प्राइस जो है हो सकता है 4000-5000 के ऊपर जाता हो दिखे, तब आपको लगेगा कि नहीं जी वो 1500 का जो प्राइस था वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इनका फ्यूचर है, ये भागने ही वाले हैं ये शेयर। ठीक है, तो इस कंपनी को भी आप अपने उसमें वॉच लिस्ट में आप लगा कर रख सकते हैं, और इनमें जो इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा, और अपनी खुद की रिसर्च भी कीजिएगा। मेरे द्वारा जो ये बताया गया ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो होता है रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में जो मेरी वीडियोज़ आएंगी उसके लिए जो है आप जो है पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।